सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 2 नवंबर 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम्, अपने देश की रक्षा कैसे करूं या अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, से इसे नाट्यांश ये नाटक है, एकांकी नाटक है, नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा विरचित है। ये नाटक अपन पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि महाराणा प्रताप सह सर्वे अनुचरा ततः उत्थाय भिल्लानाम आवास से मध्यतः निस्सरन्ति। ठीक है कि महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर है, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर है, ततः उत्थाय वहां से उठकर है भिल्लानाम आवास से मध्यतः भीलों के आवास के बीच में से, भीलों के घरों के बीच में से निस्सरन्ति निकलते हैं। जब उनके बीच घरों के बीच में से जा रहे हैं तो अब देखो जो भील जाति के जो लोग हैं वो उनको देख के क्या प्रतिक्रिया करते हैं। तो उनमें से जब वो जा रहे हैं उनके बीच में से, तो पहला जो भील है, पहला भील उसको देख उनको देख के कहता है, किसको? महाराणा प्रताप और जो सरदार हैं उसके मंत्री जो हैं उनको देख के कहता है, प्रथमा भील है, पहला भील, हा भगवन अद्य कीदृश समय आगत है, प्रताप अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। हा भगवन, दुख प्रकट करते हुए कहता है कि हाय भगवन या हे भगवान, हा का प्रयोग हुआ इसलिए हाय हाय होगा, हाय भगवान अद्य कीदृश समय आगत है, आज कैसा समय आ गया, अद्य आज कीदृश है, कैसा समय आ गया, आज कैसा समय आ गया, प्रताप अपि प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य अपना देश छोड़कर, प्रताप भी अपना देश छोड़कर, प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य अपना देश छोड़कर अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति, दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। हे भगवान, आज कैसा समय आ गया, महाराणा प्रताप भी अपना देश छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सुन के द्वितीय भील है, दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति, मालूम नहीं, न जाने मतलब है मालूम नहीं, अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये, इसे मालूम नहीं इस मेवाड़ देश के भाग्य में किम लिखितम अस्ति, क्या लिखा है, मालूम नहीं, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। यहाँ हर कोई आक्रमणकारी आके मेवाड़ भूमि पर आक्रमण कर देता है, हर किसी दुश्मन की नज़र मेवाड़ राज्य पे है, तो कहता है कि मालूम नहीं इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है, ये कितने पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ जो है आक्रमणकारी दुश्मन जो है आक्रमण करते रहेंगे, और इस प्रकार जिस जनता को जो है ये दुख सहन करना पड़ेगा। हे दीन दयालो परमेश्वर, त्वम अपि अति ज्ञान निष्ठुर कथम जाता है, हे दीन दयालु परमेश्वर, हे परमेश्वर त्वम अपि अति ज्ञान निष्ठुर कथम जाता है, तुम भी आज इतने निष्ठुर कठोर हृदय वाले, निष्ठुर का अर्थ है कठोर हृदय वाले, तुम भी हे दीन दयालु हे परमेश्वर तुम भी आज अत्यंत आज ईयान इतने कठोर हृदय वाले कथम जाते हैं, कैसे हो गए हैं, हे दीन दयालु हे परमेश्वर तुम भी आज इतने निष्ठुर कठोर हृदय वाले कैसे हो गए हो।
तृतीय बिल्ल है, तीसरा भील उनकी बात सुन के, तीसरा भील उनको देख के, तीसरा भील क्या कहता है, आधिक वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। हा हाय धिक्कार है, अपने आप को धिक्कार निम्न समझते हुए कहता है कि हाय धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री, वराक है बेचारे के पास, बेचारे के पास न जीवन सामग्री है और न युद्ध करने के लिए सामग्री है, सेना है, न जीवन जीने के लिए सामग्री है, दैनिक जीवन में जो काम में आने वाली जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, न तो वो वस्तुएं इनके पास भोजन इत्यादि है और न युद्ध युद्ध के लिए सेना है। तो कहता है कि हाय धिक्कार है, बेचारे के पास में न जीवन सामग्री है और न युद्ध करने के लिए सेना है। मातृभूमि दुर्दशा, मातृभूमि दुर्दशा स्वचक्षुषां कथं द्रक्ष्यामः, मातृभूमि दुर्दशां स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से मातृभूमि दुर्दशां, दुर्दशां मातृभूमि की यह दुर्दशा, अपनी आंखों से मातृभूमि की यह दुर्दशा कथम द्रक्ष्यामः, कैसे देखेंगे अपनी आंखों से मातृभूमि की यह दुर्दशा, दुर्दशा कैसे देखेंगे। ठीक है, कि ये जो मातृभूमि की, ये मेवाड़ भूमि की ये जो दुर्गति है, दुर्दशा है, उसको अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। ठीक है, तो भील जो है वो भील कहता है कि अपनी आंखों से मातृभूमि की यह दुर्दशा कैसे देखेंगे, जहां महाराणा प्रताप ने शासन किया है, जहां यहां रह के मेवाड़ भूमि की महाराणा प्रताप ने प्राण देकर भी जो है रक्षा की है, फिर भी ये जो दुर्दशा जो मातृभूमि की मेवाड़ भूमि की हो रही है, ये अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। रोदिदी, ऐसा कहने के बाद में रोदिदी रोने लगता है, रोदिदी रोने लगता है, वह भील जो है वो रोने लगता है। भिल्लानां प्रलापं श्रुत्वा, भीलों का प्रलाप सुनकर, भीलों के रोने की आवाज सुनकर, भीलों के रोने की आवाज सुनकर, भीलों का प्रलाप सुनकर, एकह सहचर है, एक सहचर एक साथी, एकह सहचर है एक साथी, एक सहचर क्या कहता है, हाधिक एते भिल्ला सत्यम एव वदन्ती, हाय हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, एते भिल्ला सत्यम एव वदन्ती, ये भील सत्य ही बोलते हैं, ये भील सत्य ही कहते हैं, ये सही कह रहे हैं, ये भील जो है वो सही कह रहे हैं। अयम समय देश देश देशाय धर्माय च न शोभने, यह समय, ऐसा समय देशाय धर्माय च न शोभने, यह समय देश और धर्म के लिए सुशोभित नहीं है, यह समय देश और धर्म के लिए सुशोभित नहीं है, परम किम क्रियते, यह समय देश के धर्म के लिए नहीं है, यह समय देश के धर्म के लिए नहीं है, सुशोभित नहीं है, परम किम क्रियते, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन किम क्रियते, लेकिन क्या किया जाए। असीम निस्सारे प्रतापाय ददत्, असीम निस्सारे प्रतापाय ददत्, असी कहते हैं, असी कहते हैं तलवार, असी किसे कहते हैं, तलवार को, असी निसार है तलवार निकाल कर, तलवार को निकाल कर, असीम इसमें लिखा है, असीम द्वितीय व्यक्ति, असी
द्वितीय व्यक्ति है असीम, तलवार को असीम निस्सार्य, तलवार को निकाल करे, तलवार को निस्सार्य निकाल करे, प्रताप आए प्रताप को देते हुए, तलवार को निकाल करे प्रताप को देते हुए, ददते देते हुए, कहते हैं प्रभो बलिम ददातु मम भवान अनीन, प्रभो बलिम ददातु मम बलिम ददातु मम भवान अनीन, हे प्रभु तलवार निकाल कर प्रताप को देते हुए कहता है हे प्रभु अनीन आप भवान भवान आप अनीन इस आप इसे तलवार से मम मेरी बलि ददातु बलि दे दीजिए, आप इस तलवार से मेरी बलि दे दीजिए। न आत्म चक्षुषा मेवाण भूमि दुर्दशा दृष्टुम शक्यते, न आत्म चक्षुषा मेवाण भूमि दुर्दशा दृष्टुम शक्यते, अपनी आंखों से अपनी आत्म चक्षुषा अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की यह दुर्दशा नहीं देख सकता, नहीं देख सकते या नहीं देख सकता मेवा अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की यह दुर्दशा नहीं देख सकता, इसलिए आप तलवार लीजिए और मेरी बलि दे दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं जी करे मेवाड़ भूमि की यह दुर्दशा नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप ये तलवार लीजिए और मेरी बलि दे दीजिए, क्योंकि मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की यह दुर्दशा नहीं देख सकता। द्वितीय सहचर है दूसरा साथी, दूसरा सहचर कहता है सत्यमेव सांप्रतम जीवनम जीवनम नरकायते, सत्य ही अब जीवन नरक के समान हो गया है, सत्य ही अब या अब सत्य ही जीवन नरक के समान हो गया है, अब सत्य ही जीना या जीवन नरकायते नरक के समान हो गया है, तो अब जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जीवन कैसा हो गया है नरक के समान हो गया है। भिल्लहा सभी भील क्या कहते हैं, हा अस्माकम अपि जीवने को लाभ है, भिल्लहा सभी भील क्या कहते हैं, हा अस्माकम अपि जीवने को लाभ है, हाय हमारे भी जीने से क्या लाभ, हाय हमारे भी जीने से क्या लाभ, अब हम भी नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भी जीने से अब कोई लाभ है नहीं है, क्योंकि हम किसी प्रकार से महाराणा प्रताप को रोक नहीं पा रहे हैं, महाराणा प्रताप की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भी जीने से कोई मतलब है नहीं है। तो कहता है कि हाय हमारे भी जीने से अब क्या लाभ, यदि वयम देश रक्षाए न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, यदि देश की रक्षा के लिए हम सब यदि देश की रक्षा के लिए हम सब कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, यदि देश की रक्षा के लिए हम सब यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ है कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। यदि हम देश की रक्षा के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीना व्यर्थ है, तो हमारा जीना व्यर्थ है, मरणम एव श्रेयस्करम हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये बात जब वो सहचर भील उसके साथी मान प्रताप के साथी और भील जो उसकी सेना, हाँ कौन सा भिल्लहा कहाँ से, से भिल्लहा
सभी सभी भील, अनेक भील एक स्वर में कहते हैं, सभी भील जो है वो एक स्वर में कहते हैं हा हाय। अस्माकम अभी जीवने को लाभ है, हमारे भी जीने से क्या लाभ, हमारे भी जीने से क्या लाभ। यदि वयम देश अच्छाई न किमपि कर्तुम समर्था, यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा मरणम में अस्माकम श्रेष्ठम, तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ है, तो हमारा मर जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसे इस प्रकार के वचनों को, इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार की बात को सुन के भीलों और अपने साथियों अपने सहचरों की बात सुन के प्रताप दुखी होते हैं, और प्रताप कहता है, क्या कहते हैं प्रताप, हादिक हादिक भवन्तः सर्वे इदं किं कुर्वन्ति, हाय धिक्कार है भवन्तः सर्वे इदं किं कुर्वन्ति, आप सभी यह क्या कर रहे हैं, आप सभी हाय धिक्कार है, आप सभी यह क्या कह रहे हैं, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे मेरी बलि दे दो, कोई कह रहा है कि हमारा जीना जो है श्रेष्ठ नहीं है, हमारा मरना ही श्रेष्ठ है, तो ये सब आप क्या कह रहे हैं। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महत्या करना महान पाप होता है, आत्महत्या करना आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महत्या करना महान पाप है। स्थिराम स्थिराम ठहरिए ठहरिए रुकिए रुकिए, कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहकर, कष्टानि कष्टों को सोढ्वा सोढ्वा करता है सहकर, कष्टों को सहकर सहन करके वीरगत्या वीरगति से मरणम मरना, कष्टों को सहकर वीरगति से मरना कल्याण कर्म कथ्यते, कल्याणकारी कहा गया है, कष्टों को सहकर वीर गति से मरना कल्याणकारी कहा गया है। तो यदि ये कुछ करना है तो इस मेवाड़ भूमि की रक्षा करो, इसके बारे में कुछ सोचो, इसके बारे में कुछ करो। इत्थम आत्महननम तु नपुंसकानां कर्म, इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है, इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है, जो बलहीन है जो बुद्धिहीन है ऐसा तो उनका काम होता है, ठीक है, तो आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है। किंचित धैर्येण विचारयन्तु, कुछ धैर्य धारण करके सोचो, कुछ धैर्य धारण करके सोचो विचार करो। पृष्ठतः ध्वनि होती, ये जो मानव प्रताप ऐसा कहते हैं, कहते कहते जा रहे हैं, उनको भीलों को या साथियों को कहते हुए जा रहे हैं, तो पीछे से कोई आवाज लगाता है, पृष्ठतः ध्वनि होती, पीछे से आवाज होती है, पीछे से आवाज होती है, क्या आवाज होती है, स्थिराम स्थिराम प्रभु, ये प्रभु स्थिराम स्थिराम ठहरिए ठहरिए रुकिए रुकिए, ये प्रभु रुकिए रुकिए, ये कहने के बाद में फिर दोबारा कहता है स्थिराम स्थिराम ठहरिए ठहरिए अर्थात रुकिए रुकिए। ठीक है, पीछे से आवाज आती है, पीछे से कोई आवाज लगा रहा है उनको कि हे प्रभु रुकिए रुकिए ठहरिए ठहरिए, फिर थोड़ी रुकने के बाद में फिर कहता है ठहरिए ठहरिए अर्थात रुकिए रुकिए। ये बात सुन के ये आवाज थी जो कोई परिचित आवाज थी, ऐसे कोई जानी पहचानी आवाज थी, ऐसा प्रताप को मालूम होता है, तो प्रताप है प्रताप, परिचित ध्वनिम आकरणे, परिचित ध्वनिम आकरणे सोत्साहम, परिचित ध्वनि, परिचित ध्वनि को आवाज को, परिचित आवाज को सुनकर, परिचित आवाज को सुनकर सोत्साहम उत्साह के साथ, परिचित आवाज को सुनकर उत्साह के साथ,
परिचित आवाज को सुनकर उत्साह के साथ महाराणा प्रताप के मन में उत्साह आता है। सोचते हैं कि कोई परिचित आवाज है, कोई जानी पहचानी आवाज है, कोई जाना पहचाना कोई व्यक्ति है जो अपने को आवाज दे रहा है। क्या कहता है प्रताप? अरे सर्वदार, प्रक्षम आरुही दृष्टनाम तू तावत कयायम शब्दायते। अरे सरदार, अरे सरदार, वृक्षम आरुही दृष्टाम, पेड़ पर चढ़कर देखो। हे सरदार, अरे सरदार, पेड़ पर चढ़कर देखो तो। अरे सरदार, पेड़ पर चढ़कर देखो तो। तावत कयायम शब्दायते, देखो तो कि यह कौन आवाज लगा रहा है। अरे सरदार, पेड़ पर चढ़कर देखो तो कि यह कौन आवाज लगा रहा है। मुझे तो कोई शायद जाना पहचाना लग रहा है, परिचित आवाज लग रही है मेरे को। तो तुम पेड़ पे चढ़ो सरदार। हे सरदार, अरे सरदार, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कि यह कौन आवाज लगा रहा है। सरदार है सरदार, तथा निपुणम निरीक्षमाण माण है, तथा उसी प्रकार निपुणम भली प्रकार से अच्छी प्रकार से निरीक्षमाणम निरीक्षण करते हुए, इस प्रकार सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से निरीक्षण करते हुए देखते हुए अच्छी प्रकार से देखते हुए ठीक प्रकार से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि देखे ये कौन आ रहा है, देखे मालूम करते हैं। तो महाराज ये निरीक्षण करते हुए निरीक्षण करके अच्छी प्रकार से देख कर क्या कहते हैं महाराज? मेवाड़ मंत्री भामा शाह यु कश्चन आगच्छन प्रतीयते। हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह की तरह कोई आता हुआ प्रतीत होता है, मालूम होता है, दिखाई दे रहा है। हे महाराज, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेवाड़ मंत्री भामाशाह की तरह कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद मेवाड़ मंत्री भामाशाह है। प्रताप है, प्रताप कहते हूं किमुक्तम, हाँ की आवाज में सहमति के रूप में कहते हैं किमुक्तम क्या कहा भामाशाह है। आश्चर्य होता है प्रताप को, आश्चर्य होता है, कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में भामाशाह आ रहे हैं। तस्से कथम इदम ज्ञातम अभू, उनको यह कैसे ज्ञात हुआ, उनको यह स्थिति कैसे पता चली, यह उनको यह स्थिति कैसे मालूम हुई कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूं, यह उनको कैसे पता चला कि तस्से कथम इदम ज्ञातम अभू, उनको यह कैसे मालूम हुआ, उनको यह कैसे पता चला। अस्तुतावत तो ठीक है, अस्तुतावत तो ठीक है, प्रतीक्षा करते हैं तो ठीक है, प्रतीक्षा करते हैं, आने दो उनको। तम प्रतीक्षा महे, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। भामाशाह है धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, धनराशि ग्रंथिम भामाशाह है धनराशि ग्रंथिम, धन की पोटली बांध कर लाते हैं भामाशाह है धन की, हीरे मोती सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा इत्यादि इनकी पोटली बांध कर है भामाशाह है धनराशि ग्रंथि मादाय आयाति, भामाशाह है धन की पोटली लेकर आयाति आता है, धन की पोटली लेकर आता है भामाशाह है। भामाशाह क्या कहते हैं? प्रणाम करके क्या कहते हैं? प्रणाम करके
अन्नदाता, अन्नदाता है। सेवकं संतज्य क्व प्रस्थीयते श्रीमदा, हे अन्नदाता, प्रणम्य प्रणाम करके क्या कहते हैं, अन्नदाता है, हे अन्नदाता, सेवकं संतज्य क्व प्रस्थीयते श्रीमदा, सेवक को छोड़कर, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर श्रीमान क्या प्रस्थिति, कहां प्रस्थान कर रहे हैं, हे श्रीमान सेवक, हे अन्नदाता, हे श्रीमान, या ऐसा हो जाएगा कि हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर श्रीमान कहां प्रस्थान कर रहे हैं, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़कर श्रीमान कहां प्रस्थान कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। सेवक को तो साथ लेके चलिए, सेवक को छोड़ के आप कहां जा रहे हैं, कहां प्रस्थान कर रहे हैं। प्रताप दीर्घम निश्वसी, प्रताप लंबी श्वास छोड़कर, प्रताप लंबी श्वास छोड़कर क्या कहते हैं, न क्व अपि बंधो, न क्व अपि बंधो, हे बंधु न क्व अपि, कहीं ये मेरे चल रहा, न क्व अपि बंधो, हे बंधु कहीं भी नहीं, हे बंधु कहीं भी नहीं, बताइए हम, न क्व अपि बंधो, हे बंधु कहीं भी नहीं, गंतुम शक्यम अपि तु न, गंतुम शक्यम अपि तु न, जाना चाहूं तो भी नहीं, जाना चाहूं तो भी नहीं जा सकता मैं, यदि मैं सोचूं कि मैं यहां से चला जाऊं, गंतुम शक्यम अपि तु न, जाना चाहूं तो भी नहीं, जाना चाहूं तो भी नहीं, पार्श्वे धनम नैव न च सेनाएव, न तो पास में धन है और न सेना है, न तो पास में धन है और न सेना है, तो मैं तो जानने की सोचूं तो भी नहीं जा सकता, क्यों, न पास में धन है और न सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। पाठ का नाम इसके ऊपर आधारित, इस वाक्य के ऊपर आधारित रखा गया शीर्षक है कि अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि न मेरे पास धन है और न मेरे पास सेना है। अस्माद एव मन दोलायितम अस्ति, अस्माद एव इसी कारण से ही, अस्माद एव इसी कारण से ही मन, मन दोलायितम अस्ति, दोलायमान है, इसी कारण से ही मन दोलायमान है, दोलायमान है, इसका मतलब क्या है, इसी कारण से ही मन कंपन कर रहा है, कंपायमान है, दोलायमान है, कंपन कर रहा है, हिलने डुलने लगा है मन, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, मन में कभी आता है यहाँ से चले जाएं, मन में कभी आता है यहाँ रहकर मातृभूमि की रक्षा करें, तो ये जो स्थिति है, इस कारण से ही जो है मन जो है कंपन कर रहा है, दोलायमान है, भामाशा है। तो यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।